जोश आना चाहिए सत्संग में, कुछ मार्गदर्शन मिलना चाहिए, तब जाके संग हुआ किससे, सत्य से संग हुआ, नहीं तो दुस्संग होता है। दुस्संग होता है तो क्या होता है, मन खिन्न हो जाता है ना। सत्संग होता है तो जोश आता है, व्यवसाय में हो, अपने अध्ययन में हो, अपने जीवन में हो, कुछ ना कुछ एक नूतनता आनी चाहिए, तब जाके हाँ सत्संग हुआ, इसका एक प्रमाण है। तो आप तो संस्कारी लोग हो, तो उस उन संस्कारों को लेके आप कार्य कर रहे हो, तो सत्संग में क्या होना है, उन्हीं संस्कारों को और जगाना है। हजारों वर्ष पूर्व कुछ संस्कृति थी, उसका अंश हम में है, पर परिस्थितियां बदल गई हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में उस तेजस्विता को, ओजस्विता को फिर से हमें प्रकट करना है, तो फिर परिश्रम करना पड़ेगा, उन संस्कारों को जगाकर नए नए ढंग से उसको प्रस्तुत करना है। इसीलिए सत्संग भी क्या करते हैं, सत्संग से आपकी आधारभूत एक आध्यात्मिक शक्ति रहती है, वो जागृत होनी चाहिए, तब जाके आपके कार्य में वो जिसकी बात हम कर रहे हैं, ओजस्विता आने लगती है।